सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान खत्म नहीं हो रहा। रामचरितमानस पर दिए बयान पर वो अभी भी कायम है। इस बीच उनकी बेटी ने उनका समर्थन कर दिया है और पिता पुत्री ने रामचरितमानस को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अपने बयान पर डटे सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी पिता का समर्थन देकर मुद्दे को हवा दे दी है। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया, शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। संघमित्रा मौर्य का ये बयान पार्टी लाइन से हटकर पिता के पक्ष में है, लेकिन भाजपा ने भी संघमित्रा के बयान पर दो टूक जवाब देकर साफ इशारा कर दिया है। रामचरितमानस करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और उसमें इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। अपना स्टैंड साफ कर भाजपा ने अखिलेश की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। वहीं अब भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे रहे हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि स्वामी प्रसाद जी को सद्बुद्धि दे ताकि उनका और उनका लोक परलोक सब बेहतर हो। जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म का विरोध करता हूं और सत्यानाश हो जाए, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उस भूल का सुधार करें, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ आपदा के बीच चार धाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बद्री विशाल के कपाट खुलने का समय तय हो गया है। बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय हो गया है। 27 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। वहीं गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल को निकाली जाएगी। बसंत पंचमी के मौके पर टिहरी में नरेंद्र नगर के राजमहल में कपाट खुलने का समय तय हुआ है। इस अवसर पर टिहरी राज परिवार सहित बद्री केदार समिति, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर गुरुपुष्य योग में खोल दिए जाएंगे। मंत्रोच्चार और परंपराओं के साथ यात्रियों के लिए कपाट खोले जाएंगे। साल 2022 की बात करें तो चार धाम यात्रा में करीब 46 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे। कोरोना काल के 2 साल बाद पिछले साल नया रिकॉर्ड बना था। वहीं पिछले साल बद्रीनाथ धाम में 17,60,646 श्रद्धालु पहुंचे थे। 19 नवम्बर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ चार धाम यात्रा का समापन हो गया था। वहीं केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि यात्रा से 211 करोड़ का कारोबार हुआ। लिहाजा बद्रीनाथ धाम यात्रा का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। हालांकि जोशीमठ आपदा की वजह से यात्रा पर संकट माना जा रहा था, लेकिन अब बसंत पंचमी के मौके पर तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं जोशीमठ में पिछले कुछ दिन से हालात स्थिर बने हुए, लेकिन एक और जगह पर जमीन धंसने से दहशत बढ़ गई है। अब विष्णुप्रयाग से लेकर मारवाड़ी तक जमीन धंसने लगी है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मारवाड़ी में सड़क धंस रही है, कई जगह भूस्खलन हुआ है। वहीं सड़क किनारे लगाए गए डंगे में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दरारों की चौड़ाई काफी ज्यादा है, अगर ये दरार बढ़ी तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक लोग जोशीमठ के संकट को लेकर दहशत में हैं, लेकिन विष्णुप्रयाग शहर में सड़कों में पड़ती दरारें टेंशन बढ़ा रही हैं। रोड में काफी गैप आ गया है, जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। हालांकि जोशीमठ में हालात स्थिर हैं, पिछले कुछ दिन में दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। 500 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें दरार आई है। हालांकि प्रभावितों को शिफ्ट करने का काम जारी है। वहीं 3.5 करोड़ से ज्यादा राहत राशि वितरित की जा चुकी है। साथ ही जोशीमठ आपदा पर एजेंसियों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बना दी है और जल्द राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। आईआईटी रुड़की ने जो स्टडी करी है, जो भी जियो टेक्निकल या अन्य चीजों की स्टडी करी होगी उन्होंने, उनके आधार पर वही बताएंगे कि क्या डैमेज कितना सीरियस है और क्या कारण हो सकता है। तो उनके द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट उनकी तैयार है, शीघ्र ही 2-3-4 दिन के अंदर वो हमें भेज देंगे और उसके आधार पर मैक्सिमम 10 दिन के अंदर डीपीआर बना लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।